डिमन स्लेयर एनिमी में डिमन्स को मारने के लिए डिमन स्लेयर जो वेपन यूज करते हैं उन्हें नेजलिन ब्रीड वेपन कहा जाता है, जिन्हें स्क्रैलेट क्रेमिजन आयरन सैंड नाम के मेटल से बनाए जाते हैं, जो ऊंचे पहाड़ों पर पाए जाते हैं जिस पर पूरे साल सूरज की किरणें पड़ती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहे हैं। इसलिए जब इस वेपन से डिमन्स के वीक पॉइंट पे मारा जाता है तब उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि ये शॉर्ट्स कई रंग रूप में आते हैं। इसलिए इन्हें समझने के लिए इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट्स और नॉन शॉर्ट्स। मैं पहले नॉन शॉर्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इवन शॉर्ट्स के बारे में सभी जानते हैं, और अगर फिर भी तुम्हें शॉर्ट्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो इस वीडियो पर 100 लाइक करा दो, वीडियो जरूर आ जाएगी। नंबर 5, टेंजेन उजुई की ड्यूअल क्लर्स, जिसे साउंड हासिरा टेंजेन उजुई यूज करता था, और ये ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं। और ये नॉन शॉर्ट की लिस्ट में इसलिए क्योंकि इसका पैटर्न, स्टाइल और इसे यूज करने का तरीका शॉर्ट से बिल्कुल ही अलग है, और ये इतने ज्यादा बड़े हैं कि हासिरा इसे अपने हाथों की जगह कपड़े में बांधकर अपने पीठ पर कैरी करते हैं। नंबर 4, मिसूरी कांजीरोज की वाइप शॉर्ट, जिसे लव हासिरा मिसूरी कांजीरो यूज करती है, और इसका कलर डार्क पिंक है, ऑफकोर्स क्योंकि लव हासिरा की शॉर्ट है। ये शॉर्ट चाबुक जैसी है, जिसे मेरे हिसाब से मिसूरी के अलावा और कोई इतने अच्छे से यूज नहीं कर सकता। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सिंपल एग्जाम्पल में तुम बाजीराव मस्तानी की शॉर्ट को भी ले सकते हो। नंबर 3, अपन मूनवर्ल्ड की डिमन शॉर्ट। डिमन स्लेयर में कभी कभी डिमन स्लेयर ही नहीं बल्कि डिमन्स भी शॉर्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब तुम उसे ये सवाल पूछ सकते हो कि ये तो एक शॉर्ट है तो इसे नॉन शॉर्ट की कैटेगरी में क्यों डाला, तो ये नॉन शॉर्ट की कैटेगरी में क्यों आती है? तो तुम्हें ये पता ही होगा अगर तुमने डिमन स्लेयर देखी है तो, कि ये एक शॉर्ट तो है, लेकिन ये डिमन इसे अपने ब्लड डिमन आर्ट का यूज करके अपने ही मांस से बनाते हैं, क्योंकि ये इसे अपने ही मांस का यूज करके बना रहे हैं। इसलिए वो कितने भी शॉर्ट्स को बना सकते हैं, और इस शॉर्ट की डिजाइन सीधे होने की वजह किसी भी शेप की हो सकती है। और इस शॉर्ट की बात करें तो ये डार्क रेड कलर की शॉर्ट है, और इसके ऊपर डिमन्स के आई बने हुए जो कि मुझे काफी ज्यादा कूल लगते हैं। नंबर 2, स्टोन हासिरा की स्कारलेट फ्लेड। गायोमी हिमिजिमा डिमन स्लेयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा माना जाते हैं, लेकिन वो अंधा है, इसलिए उसे कटाना या फिर शॉर्ट्स को चलाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक डिस्ट्रक्टिव वेपन का यूज करता है, जिसमें लंबे लंबे चैन है और उनसे आयरन बॉल बंधे हुए। नंबर 1, गेनगाई की शॉटगन। देखो, शायद मुझे यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ना ही शॉर्ट के शेप के हैं और ना ही शॉर्ट्स की तरह काम करते हैं। और वैसे भी गेनगाई के पास एक शॉर्ट तो है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके पास एक शॉटगन है। तो भाई, अगर वीडियो थोड़ी भी एंटरटेनिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और तुम्हारे विचार मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाके वो भी बता देना।